हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इंडिया की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। तो आइए दोस्तों, आज हम शिमला की टूर प्लान के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जनार्दन, आप देख रहे हैं टूर गाइड। दोस्तों पहला पॉइंट, आप कैसे शिमला पहुंच सकते हो। आप दिल्ली से डायरेक्ट शिमला जा सकते हैं और आप दिल्ली से कालका आइए, कालका से आप बस या टॉय ट्रेन से शिमला जा सकते हैं। अगर आप लोग ग्रुप करके जाए तो आप प्राइवेट कार भी ले सकते हो। दिल्ली से बस में आपका टाइम लगेगा लगभग 10 घंटा, कालका से आपका टाइम लगेगा ये प्राइवेट कार में 3 से 3.5 घंटे और टॉय ट्रेन में 4 से 5 घंटा। कहाँ स्टे कर सकते हैं, अगला पॉइंट, कहाँ स्टे कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप शिमला ओल्ड बस स्टैंड के आसपास होटल ले लीजिए, नहीं तो आप मॉल रोड या द रिज या तारा देवी मंदिर के आसपास रूम ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपका प्लान क्या होगा। दोस्तों अगर आप कालका से अपना जर्नी स्टार्ट करते हो तो सुबह सुबह कालका से निकलो, दोपहर तक आप शिमला पहुंच जाओगे, आफ्टरनून इवनिंग में आप द रिज एंड मॉल रोड ये घूम सकते हो। नेक्स्ट डे आप शिमला का लोकल साइट सीन करिए, जैसा स्कैंडल पॉइंट, राष्ट्रपति निवास, बोटानिकल गार्डन, झाकू टेम्पल्स, कालीबाड़ी मंदिर, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम, हिमाचल स्टेट म्यूजियम, चार्डी फॉल्स, तारा देवी टेम्पल, ये सब प्लेस आसपास ही है। तो एक दिन में आप आराम से 5-6 जगह घूम सकते हो। दूसरे दिन आप कुफरी जा सकते हो, कुफरी शिमला से 70-75 किमी डिस्टेंस में, ये आपका पूरा डे ट्रिप होगा। यहाँ पर आप घूमेंगे हिमाचल नेचर पार्क, महासु एंड कुफरी फन वर्ल्ड, पूरा दिन लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट डे लोकल साइट सीन का जो जो प्लेस आपका रह गया था वो देखने के बाद आप सेम डे आफ्टर लंच कालका के और रवाना दे सकते हो। दोस्तों अगर आप शिमला जा रहे हो तो शिमला का टॉय ट्रेन का मजा जरूर लेना, ये अलग एक्सपीरियंस होगा। पूरा कालका से शिमला तक आप अगर आप नहीं जा सकते हो तो 1-2 स्टेशन के लिए भी आप ये टॉय ट्रेन यात्रा जरूर करें। अगला पॉइंट, बजट कितना होगा आपका। आपका बजट डिपेंड करेगा आपका जाने का टाइम के साथ। अगर आप पीक सीजन पर जाए तो खर्च ज़्यादा होगा, मैंने एवरेज बजट किया है। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों अगर आप शिमला की टूर प्लेस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, और ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, एंड जो लोग नए हो मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा मनाली टूर के बारे में, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में शिमला और मनाली कॉम्बाइन पैक के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, टाटा बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।